जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज हमारा रिजल्ट आया है। कभी कभी सोचता हूँ कि ये कागज पर पड़े चंद काले अक्षर इंसान के वजूद को कितना छोटा कर देते हैं ना, और इन काले अक्षरों के पीछे का खोखलापन हम जानकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी पर एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश किया हूं। कविता का शीर्षक है कल परीक्षा है। मुझे पता है कि वक्त कम है, कल परीक्षा है और आज किताब खरीदना है। उसने किताबें पहले ही खरीद ली थी लेकिन रटा नहीं, कपड़े पहनाकर महफूज कर दिया था अलमारी में। एक शख्स बगल से गुजर रहा था, उसने किताब रट रखी थी, वही किताब जो अलमारी में कपड़े पहने महफूज थी, पर अब उसके कपड़ों पर किसी दूसरे के नाम की स्याही थी। ये दूसरा नाम भी मेरा ही था। मुझे पता है कि प्रश्न पत्र किसने बनाया है। मेरे ही गांव का एक कुम्हार है, वो अब इसी शहर में रहता है। उसका घर शहर के गर्द बाजार की एक गली में है। वो गली वीरान है, सुनी है, वहां कोई नहीं आता। हां, पर बाजार से बहुत शोर आता है, कभी उड़ते उमंगों का शोर, कभी सिसकते खाबों का शोर, कभी छुलसती मोहब्बत का शोर, तो कभी मुंह दबाए खौफ का शोर। ये बाजार भी दुनिया के आम बाजार जैसा ही है। चंद काले अक्षरों के बल पर यहाँ हर चीज बिकता है, खरीदा जाता है, हर चीज का सौदा होता है। कहीं मुस्कुराहटों का सौदा, कहीं उम्मीदों का सौदा, कहीं जज्बातों का सौदा, तो कहीं रिश्तों का सौदा। गली का दूसरा मुहाना कुम्हार के गांव की ओर खुलता था। वहां की खेतों से वो मिट्टी और बाग से सूखी लकड़ियां ले आता था। मिट्टी के बर्तन बनाकर जैसे ही वो जलती लकड़ियों पर रखता, बारिशें उन्हें बुझा देती। वो फिर आग लगाता, बारिशें फिर उन्हें बुझा देती। गांव के खेत में एक मोर रहता था, जिसे सुबह मिट्टी खोदते वक्त कुम्हार दाने दिया करता था, और रात को वो मोर आसमानी मीठे दाने चुगता था। मेरे दोस्त ने ये नहीं देखा। वो शहर के उस वीरान गली के एक मकान में रहता था, जहां अब एक पुराना बीना स्टाइल का हारमोनियम रखा है। अपने पड़ोसी से सेकंड हैंड खरीदकर उसके जन्मदिन पे दिया था। वो अब कुछ बेसुरी आवाजें करता है, उसके रीड्स हिल गई हैं, सुरों के ऊपर सुर चढ़ गए हैं। मेरा दोस्त अब बाजार के 3 मंजिला इमारत में रहता है। कभी कभी गली में आता है तो वहीं मेरे सामने वाले मकान में रुकता है। जब भी आता है, खुदा जाने वही आता है या हर बार कोई और आता है। आज जब भूख से पेट पकड़े गांव से मिट्टी और लकड़ियां ले आने कुम्हार घर से बाहर निकला, तो बाजार की शोर सुनाई दी। कुम्हार तुरंत तेज कदमों से गांव की ओर चल दिया। लौटा तो उसके हाथों में मोर को बेआबरू करके नोचे हुए पंख थे, जिसे बाजार में बेचेगा तो
कुछ सिक्के मिल जाएंगे। कुम्हार अपने घर नहीं जा पाया, कोई भूकंप आया था, पूरा घर खंडहर हो गया था। बस एक नेम प्लेट बचा था जिस पर उसका नाम लिखा था, वो नाम मेरा ही था। मैं अपने दोस्त का हारमोनियम लिए बैठा हूं, कल से बाजार में सौदा करना है, जो कभी नहीं किया वो करना है, कल परीक्षा देना है। मुझे पता है कि वक्त कम है, कल परीक्षा है और आज किताब खरीदना है।